ये फुटेज है सोनी A6500, जो लेंस यूज़ किया गया है वो 16 mm सिग्मा का लेंस यूज़ किया गया। उसकी एक अलग से बॉक्सिंग होगी, इधर वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसके लेंस को भी चेक कर सकते हैं ओके, वो लेंस किस तरह का है। तो आज जो टॉपिक है वो A6500 जो कि सोनी का क्रॉप फ्रेम कैमरा, उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह का सोनी का A6500 का बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर देखते हैं कि कैमरा किस तरह मिलता है और लेंस। यूजर मैनुअल कैप्चर वन फॉर सोनी। कैप्चर वन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि सोनी कैमरास के साथ आता है। ये लाइट रूम का कंप्यूटेटर नहीं आया है और ये बहुत अच्छा है कि इसके साथ ये बिल्कुल फ्री है। ये साथ में पूरी सोनी की फैमिली है, इसका जितने पर प्रोडक्ट हैं सोनी के लेंजेज और कैमराज और चार्जर्स और बैटरीज सब कुछ इस पे मेंशन है। जो सोनी के फुल फ्रेम के कैमराज हैं वो, और जो क्रॉप फ्रेम के और जो टेलीफोटो लेंस है वो, प्राइम लेंजेज सब इसके ऊपर मेंशन है। आप उसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि सोनी ने कौन कौन से कैमराज बनाए हैं। यह सोनी का A6500 जो कि क्रॉप फ्रेम सीरीज़ का कैमरा है और बहुत शानदार व्लॉगर्स के लिए और जो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा कैमरा है। नीचे से कुछ इस तरह से आया और इसकी बॉडी की पहले बात करते हैं तो बॉडी कुछ इस तरह से है कि सबसे नीचे हेडफोन का जैक है, उसके ऊपर माइक्रो USB पोर्ट है जिससे आप इसको पावर दे के चार्ज भी कर सकते हैं, और अगर आप पावर दे के इसको पावर बैंक से इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इस कैमरे को चला भी सकते हैं। उसके ऊपर माइक्रो HDMI है जो मोनीटर लगाने के लिए या कोई भी इस पर डिवाइस लगाने के लिए कि जो डिवाइस कनेक्ट होती है वीडियो मोनीटर्स। नीचे ये बैटरी का जैक है, उसके साथ नीचे यहाँ पे मेमोरी कार्ड डलता है जो कि SD मेमोरी कार्ड, कोई भी आप मेमोरी कार्ड SD डाल सकते हैं हाई स्पीड वाला। और इसकी LCD थोड़ी सी टिल्ट होती है, टिल्ट होके अगर आप डाउन एंगल से शॉर्ट्स बना रहे हैं तो LCD कुछ इस तरह से भी हो जाती है इसकी कि आप नीचे बॉटम एंगल पे हैं तो LCD पे आपको नज़र आ सकता है कि क्या बन रहा है इस वक्त। ये बटन है ऑन ऑफ का, और ये उसके ऊपर ये अपर्चर को चेंज करने के लिए, यहाँ से अपर्चर चेंज होता है। और ये ऊपर मोड है, प्रोग्रामिंग मोड, ऑटो मोड, मैनुअल मोड पे आप चेंज कर सकते हैं कैमरा को। बैटरी डालते हैं तो फिर देखते हैं इसका मेन्यू किस तरह का। इसके साथ जो किट लेंस आता है वो ये वाला आता है 16 mm से 50 mm, जो कि 3.5 से 5.6 अपर्चर है। और सबसे अच्छी बात इस लेंस की है कि इस लेंस में OSS टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। पीछे बैक साइड से मेटल बॉडी का लेंस है, पावरफुल बॉडी का, और इसके अंदर जो है OSS टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑप्टिकल स्टडी शॉट। OSS टेक्नोलॉजी बेसिकली लेंस के अंदर जो एलिमेंट्स लगे हैं वो स्टेबल करते हैं फुटेज को और फिर फुटेज आगे कैमरा को प्रोवाइड करते हैं। और इस साइड से अगर देखें तो इस लेंस का जूम करने का बड़ा अच्छा है, जिस तरह सोनी के कैमराज हैं जूम, टैली और वाइड करने के लिए यहाँ से। और लेंस को लगाते हैं बॉडी के साथ। इसका थोड़ा सा लेंस लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। ये वाइट कलर का डॉट है जो कि लेंस और बॉडी के साथ पर भी वाइट कलर का एक डॉट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बॉडी के तो यहाँ पे भी वाइट कलर का डॉट है। आप जब इसको वाइट डॉट के साथ वाइट डॉट अटैच करते हैं तो फिर इसको क्लॉकवाइज ऐसे टर्न करते हैं तो फिर लेंस फिट होता है। अब जैसे इसको फिट करते हैं कुछ इस तरह का हो जाता है लेंस। अब कैमरा ऑन करते हैं। ये लेंस की सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये देखें, ये ना स्लोली फोकस होता है और जूम इन और जूम आउट, टैली और वाइड अगर मैं इसको करता हूँ तो ये जूम इन जूम आउट बहुत स्लो और बड़ा अच्छा लगता है। व्लॉगर्स के लिए, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। और इसकी स्क्रीन अगर टिल्ट करते हैं आप इस तरह से तो आप जो अभी शॉट बना रहे हैं, अगर आप इसने इसको गिम्बल पे लगाया है, किसी और डिवाइस पे लगाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल पता चलता है। अगर कैमरा बहुत डाउन है आपके एंगल से तो इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है आपका व्यू क्या बन रहा है। ये सिर्फ इतनी स्क्रीन टिल्ट होती है, पीछे ऊपर को नहीं आती, यानी कि यहाँ पर नहीं आती। वो इसका नेक्स्ट मॉडल है A6400, उसके अंदर कुछ इस तरह से है और ये स्क्रीन बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल रहती है और बहुत अच्छी है। ये ऑटो फोकसिंग में टच स्क्रीन है, मतलब जब फोकसिंग आप कर रहे हैं इस लेंस के साथ कोई सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए तो फेस पे क्लिक करेंगे तो फेस को फोकस कर लेगी। इस कैमरा में बिल्ट इन फ्लैश भी है। ये ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर आप अलग से कोई भी फ्लैश या कोई ट्रिगर अटैच कर सकते हैं, और ये जो है इसके अंदर इंटरनल फ्लैश है, जैसे भी हम बटन प्रेस करते हैं तो ये फ्लैश बाहर आ जाती है, बहुत फास्ट बाहर आती है। मैं ये कहूँगा जब भी आप फ्लैश को बाहर करें तो उसके ऊपर हैंड ना रखें, इसको ऐसे प्रेस करके ये इनसाइड हो जाती है और जैसे ये प्रेस करते हैं तो ऐसे बहुत फास्ट क्विक वे से बाहर आती है। और ये बिल्ट इन फ्लैश है इसके अंदर जो कि पिक्चर को लेने के लिए बड़ी अच्छी है। लो लाइट सिचुएशंस में आप पिक्चर को जब लेते हैं तो ये फ्लैश बहुत कारामद है
और बड़ी अच्छी जगह पे है कि फ्लैश शेडोज भी कम आएंगे इसके। स्पेसिफिकेशन इस कैमरे की क्या है? बेसिकली कैमरा 24 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है और 1080p वीडियो जो बनाता है 120 फ्रेम पर सेकंड पे बनाता है, 4K जो वीडियो बनाता है वो 30fps पे बनाता है। 1080p 120fps जो कि स्टार्ट में बीरोल आया था मेरा, वो 120p पे इस कैमरे से शूट किया गया था और बहुत आउट क्लास और बहुत स्लो मोशन वाली पिक्चर्स और ये वन बहुत शानदार। इस कैमरा में 425 फोकसिंग पॉइंट्स है, 425 फोकसिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। और ISO रेंज तो बहुत ही शानदार है, यानी कि इसकी नॉइस बहुत कम, हाई ISO पे भी इसकी नॉइस नहीं आती है। तो क्रॉप फ्रेम सीरीज़ का और ये बेस्ट कैमरा है यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो ट्रैवलिंग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर आप बोया का एक माइक लगाएं जो कि ऊपर नज़र आ रहा है, वो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है व्लॉगिंग माइक कौन सा होता है, और यहाँ पर ऊपर माइक लगाएं और बड़ी अच्छी एक किट बन जाएगी आपकी जिसको आप ऐसे पकड़ के तो बिल्कुल एग्जैक्ट व्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मैं दिखाता हूं कि 16mm पे मेरा कितना फेस नजर आता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि 16mm पे क्या नजर आता है और उस पर क्या नजर आता है। अगर मैं इसे व्लॉगिंग करता हूं तो ये कैमरा कुछ इस तरह से नजर आता है कि यहां पे मैंने मेरा हैंड है तो पता चल रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त और ये सेटिंग है सारी। कैमरा इतनी दूर है मुझसे, यानी कि अगर मैं हाथ में पकड़ता हूं तो मेरा पूरा फेस नजर आता है। ये इस वक्त 16mm पे आया, जैसे ही मैं इसको जूम इन करता हूं तो ये देखें जूम इन करके मेरा ये फेस दिखा रहा है, और ये टोटली वीडियो में ऑटो फोकस है और बहुत शानदार है ऑटो फोकसिंग में, कि ऑटो फोकसिंग में क्या नज़र आना चाहिए, किस तरह आप कितनी क्विक फोकसिंग में करता है। मैं वाइड करता हूँ तो ये बहुत शानदार, ये देखें इस वक्त मेरा पूरा फेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि अगर मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत शानदार मेरा पूरा फेस और इसके साथ एग्जैक्ट। इसके ऑडियो बहुत अच्छी, इसमें डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है जो एज़ कम्पेयर टू DSLR कैनन के हैं, उसकी और इसकी ऑडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी ऑडियो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसकी। बॉडी के जो प्राइस हैं वो 1,30,000 हैं, और जो ये लेंस इसके साथ किट लेंस आता है ये 20,000 से 25,000 के दरमियान ये लेंस आता है, और ये बहुत बेस्ट कैमरा है। बेसिकली ये इसलिए बेस्ट कैमरा है क्योंकि इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजर है वो बिल्टन है, जो कि इमेज को शेकी नहीं होने देता, और इसके अंदर जो व्यू फाइंडर है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक बताया था ऊपर वीडियो आ रही है फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम में क्या फ़र्क होता है मिररलेस में, तो वो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। जैसे ही मैं करीब करता हूँ तो ये व्यू फाइंडर ना मुझे दिखा रहा है यहाँ पर इमेज जो भी इस वक्त बन रही है, तो ये व्यू फाइंडर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। इसके अंदर मैन कॉम्पैक्ट सा कैमरा, आप जैसे कि डिजिटल कैमराज होते हैं उस तरह का ही कुछ कैमरा, और मुझे बहुत पसंद आया ये, और वीडियो में तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, डायनामिक रेंज इसकी बहुत अच्छी है। एंड पे कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं आपको, अगर आप इस कैमरे की सेटिंग्स देखना चाहते हैं कि वीडियो सेटिंग्स कौन सी इसकी अच्छी हैं और सिनेमैटिक इस कैमरे की किस तरह की है, तो उससे वीडियो भी आप इंजॉय कर सकते हैं और कुछ लर्न कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।